देखिए, आज हम घूर्णन गति स्टार्ट कर रहे हैं। घूर्णन गति क्या हो जाती है? यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष गति करती है तो वस्तु की गति पूर्ण गति कहलाती। देखो, अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष गति करती है तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपके पास क्या हो गया, पंखा, एग्जाम्पल लेके चलो, पंखा की उसकी अक्ष के सापेक्ष गति। देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये अक्ष है और वस्तु यहाँ पर घूमती है तो वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाने लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और जब बल लगाते हैं तो वस्तु यहाँ पर घूर्णन गति करने लगती है। तो हम यहाँ पर एक नया शब्द यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। इसको मैं इंग्लिश में मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहता हूँ। एक ये मूवमेंट ऑफ फोर्स टाउ टॉर्क कहलाता है और इसको मैं टाउ से शो करता हूँ, ये टाउ से शो होने लगता। आप कल्पना कीजिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु के यहां से ये ओ हो गया, एक लंबवत घूर्णन अक्ष जा रहा है। ठीक है, तो ओ से लंबवत घूर्णन अक्ष जा रहा, तो अक्ष से उसे लंबवत घूर्णन अक्ष जा रहा है। मैंने यहां पर एक पॉइंट पी ले लिया, पी से मैंने आर दूरी पर यहां पर बल लगाया, ये ऐसा। ठीक है, क्लियर? या एक मिनट, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, यहां पर ये इसकी दूरी आर के मान के बराबर ही रहने दीजिए। ठीक, मैंने बल यहां पर लगाया, बल की दिशा में यहां पर शो कर देता हूं, ये बल एफ मैंने यहां पर लगाया, बल एफ को मैंने इधर पर लगाया। ठीक, ये दूरी आर के मान के बराबर, इन दोनों बल और दूरी के बीच का कोण यहां पर कितना हो गया, थीटा के मान के बराबर। तो मैंने और बढ़ाया और ये वाला कोण देखिए, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ये पी हो गया, ये एम हो गया। अब आप एक टर्म होता देखिए कि अगर मेरे पास ये दरवाजा है, दरवाजे से ये घूर्णन अक्ष जा रहा है और
इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर बल लगाऊं तो सबसे ज्यादा बल तब लगेगा जब मैं यहाँ पर लंबवत दिशा में बल लगाता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बल आघूर्ण को अधिकतम स्थिति के लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अधिकतम स्थिति जो होती है वो अधिकतम स्थिति तब कैलकुलेट होती है जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो बल आघूर्ण को मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ, बल आघूर्ण टाउ बराबर बल का परिमाण। देखिए ये बल है, बल को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, कितने न्यूटन का बल लगा रहा हूँ ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, और थोड़े बल की अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक, ये हो गया मेरे पास कैसा बल, और बल को यहां से लगाया कि अक्ष से लंबवत दूरी कितने के बराबर हो गई, ओ एम के बराबर। तो ये टाउ मेरे पास यहाँ हो जाएगा एफ इंटू, ये कितने के इक्वल हो गया, ओ एम के मान के बराबर ये आ गया। आप देखिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना जाएगा थीटा, तो त्रिभुज ओ बी एम में देखिए लंब बटे कर्ण, यानी हमारे पास कितना हो गया, ओ एम अपॉन ओ पी बराबर साइन थीटा। इसलिए ओ एम कितने के बराबर हो गया, ओ एम बराबर ओ पी साइन थीटा। अब ये ओपी कितने के बराबर हो गई, आर के मान के बराबर, तो ओ एम बराबर आर साइन थीटा। ठीक, इसलिए टाउ इक्वल टू है ना, इसमें मान रख दीजिए उठा के। ठीक है, एफ ओ एम कितने के इक्वल हो गया, आर साइन थीटा के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर, तो ये कितने के इक्वल हो गया, टाउ इक्वल टू एफ आर साइन। तो देखिए टाउ इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, आर एफ साइन थीटा। क्लियर, अब आप देखिए साइन थीटा आ रहा है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ के मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या जाता है, न्यूटन मीटर के इक्वल, अर्थात लगने वाले बल आघूर्ण दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें आर एवं एफ का। देखिए आपके पास क्या हो गया, अगर यहां से घूर्णन अक्ष जा रहा है, बल ऐसा लगाया तो ये कैसा आ जाएगा, बाहर तो आएगा ऐसा। ठीक, और अगर मैंने अंदर किया तो ये अंदर चला जाएगा, जैसे आप दरवाजे के ऊपर बल लगाते हैं तो ऐसा घूमता हुआ ऊपर जाता है, वही मैंने लिखा
कि वे बल आघूर्ण की दिशा स्थल के लंबवत होगी, जिसमें आर और एफ दोनों होते हैं। तो अब आप देखें टाउ आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर टाउ यहाँ पर हो जाता है इसको टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। नंबर देखिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी क्या हो गया, जैसे आपके पास ये दरवाजा होता है के ऊपर बल लंबवत लगाइए, आर हो गया बल की दिशा लंबवत अंदर की ओर, थीटा इक्वल टू 90 तो टाउ इक्वल टू आर एफ साइन 90 मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू आर। दूसरा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसी की दिशा, ये मान लो दरवाजा है और यहीं पर आप बल लगा रहे हैं, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 1 डिग्री की टाउ इक्वल टू आर एफ साइन 180। साइन 180 कितने के बराबर हो जाता है, 0 की वैल्यू के इक्वल, तो टाउ का मान 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप बल लगा रहे हैं ठीक और बल लगाते हैं तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी बुक है, यहाँ से घूर्णन अक्ष जा रहा है, जब मैं इसके ऊपर लंबवत बल लगाता हूँ तब अधिकतम बल यहाँ पर लगता है, इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।